अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हो चुका है नेक्स्ट डे और आज है अल्हम्दुलिल्लाह 14वां रोजा। अभी बज रहे हैं सुबह के 2:15। तो चलिए अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको बताने की जैसे कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमारी शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाई। हम लोग जा मतलब कहते हैं कि हमें वहाँ पे एक रत्ती भी नहीं मिली। यार मुझे आपको कैसे चला गया छोड़ो, तो हाँ मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं अपनी नियर बाय मार्केट और वहाँ पर देखते हैं कुछ नई कलेक्शन आई हुई होगी। तो वहाँ पे अभी तक विंटर की कलेक्शन थी, तो उन्होंने बोला था कि एक दिन में आ जाए, चलिए फटाफट चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई नई कलेक्शन आई। हमें चाहिए पाकिस्तानी वेयर, यार बड़ा मन है पाकिस्तानी वेयर का, अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं लेंगे। फिर देखते हैं पे क्या बनेंगे। पूरी रेडी शेडी हो चुकी है, तो चलिए फटाफट चलते हैं। हेलो, अच्छा लग रहा है। हमने जो लेना था वो मैं आपको घर आके दिखाऊंगी हमने क्या क्या लिया है। हमने सिर्फ अभी दो ही लिए हैं क्योंकि मैं दो ही पसंद होता है। तो अभी हम लोग कल आएंगे नेक्स्ट डे, तो देखेंगे अगर हम और पसंद है, क्योंकि इस टाइम भीड़ नहीं, तो थोड़ा हमें सही से दिख भी पाया। और मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी मेरे को एक और पसंद आ रहा था, बट अब्बू ने बोला कि वो उनको पसंद नहीं आया, तो इसलिए हम लोग घर जाके देखते हैं हमें क्या लेना था और क्या पसंद आया। क्या पता अभी हमारे हो गए हैं कुछ घर का सामान लेने हैं, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी पर बैठी हूँ और आराम से चिलने कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। घर के पास एक कुत्ता आया, वो मुझे सूंघने लगा, बोले ना इतनी तेज से ला के, तो वो बेचारा तेज से बैक टू होम। बट मैंने सोचा कि मैं आपको अभी अपने कपड़े दिखा दूंगी, बट एज अ ट्विस्ट मैं आपको अपने कपड़े अभी नहीं दिखाऊंगी, अपने और मेरे के। मैंने अपने जैसे आपको बताया कि हम दो ही लाएं, और मैं आपको वो नहीं बताऊंगी, मैं आपको नहीं दिखाऊंगी आज। जब ईद होगी मैं आपको तभी दिखाऊंगी, तब तक के आप लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा सा दिया, तो बिल्कुल भी यू नो ट्विस्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए कहानी में मुझे कुछ ट्विस्ट होना चाहिए ना, तो मैं आपको तभी दिखाऊंगी। और अभी इस व्लॉग का कंटिन्यू करो, अभी बन रही है इफ्तारी, बॉयल हो चुके हैं, यहाँ पे अभी हम सब कुछ फ्राई वगैरह करेंगे। मैं जा रही हूँ उनको चेंज करने, क्योंकि इसमें कुछ खराबी निकली है, एक जो सूट है ना थोड़ा सा खराब है, तो चलिए जैसे दोबारा चलते हैं फटाफट से। रोज से पहले मैंने आपको बहुत सस्ते सामान मिले, तो अभी हम वो सब सामान देख रहे हैं, कुछ परफ्यूम्स वगैरह और दोबारा एक्सचेंज नहीं हो पाया क्योंकि वो आज एक्सचेंज नहीं करेंगे, वो पर्स एक्सचेंज करेंगे, वो पर्स दोबारा आना पड़ेगा, हमारा आना बिल्कुल वेस्ट हो गया। बट कोई बात, ये जो हूँ और ये बोल रहे कि मैं पागल हूँ, मेरे को वीडियो अच्छी सी बनानी नहीं आती, अपना मुंह दिखाती हूँ। नहीं नहीं, लो तेरा भी दिखा दिया। रोजे का टाइम हो चुका है, इफ्तार वगैरह करते हैं, रोजा खोलते हैं और फिर मैं आपसे बॉडी वॉश, मेरे को ये बहुत दिन चाहिए था एंड फाइनली आई गॉट इट, मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैं प्यामा कर लाई हूँ बॉडी वॉश जिसके अंदर है जेल प्लस क्रीम वाला, तो बहुत अच्छा है, तो मैं जब उसका रिव्यू दूंगी ना आपको, तो मैं जरूर बताऊँगी कैसा है। सबसे पहले ये आ गए कुरमुरियाँ भी आएंगे और भी सारी चीज़ें, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या, फिर हम जल्द से करेंगे। वैसे अब थोड़ा सा बॉडी को लग रहा है कि इतनी बार हम जाना हो गया, हमारा कुछ काम भी नहीं हुआ, एक्सचेंज नहीं हुआ वो, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी डाउन हो चुकी है, अभी इफ्तार के बाद शायद थोड़ा सा अप हो जाए। अभी इफ्तार कर लिया, फटाफट चलते हैं मगरब की नमाज पढ़ते हैं, बड़ी थकावट हो गई, अब लगता है नींद आने वाली है, लेकिन नहीं हमें अभी सोना नहीं है, अभी हम चाय पियेंगे थोड़ा एनर्जेटिक होंगे, तो चलिए फटाफट सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। बड़े शोर की नमाज हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 9:30, तो मैं आपको दिखाई डिनर में क्या बनाया, जीरा राइस और काकी प्यारी सी दाल। तो सवेरे तक हम लोग डिनर करते हैं, और थोड़ा सा थक गई हूँ, थोड़ा सा सर में दर्द होने लगा है क्योंकि दो दो बार गई ना इस वजह से, डिनर करते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, हमने पूरे घर की सफाई है, जो जितने आपको सब टाइल्स दिख रहे हैं, आज हमने अंदर वाले रूम के साइड से टाइल्स साफ करे, बाहर वाले रूम के टाइल्स साफ करे और बहुत सारी चीज़ें साफ करे, बहुत थक गई हूँ आज, तो पता नहीं चला 2:15 बज गए, तो चलिए मैं भी नहा धो के आती हूँ, मेरा फेस गुस्सा भी ऐसा हो रहा था, अभी फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, अभी आपको वहाँ से आके दिखाते हैं हमने आज क्या क्या साफ करा। नहा धो के मैंने अभी अपने यही वाला पहन लिया सूट, क्योंकि जब वो घर में इतने सारे काम करने हो ना, तो इसलिए मैंने अभी यही वाला ऐसा आउटफिट पहन लिया, मन नहीं था क्योंकि अभी और भी सारे काम करने हैं, आज मैंने सिर्फ मैं आपको बता ही दिया कि आज सिर्फ टाइल्स वगैरह साफ करें दोनों कमरों के, और बाकी मैं कोई घटो और क्या कह सकता, ज़्यादातर टाइल्स विच वी हैव क्लीन ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड स्पेशली मैंने इसको भी साफ करा, अभी मेरा कॉम्बर आ गया, बट मैंने इसको बहुत अच्छे से साफ, मैं जो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रहती है वो है मेरा मिरर, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो मेरे को उसको अच्छे से साफ करना। सबसे पहले मास्क पहन लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ, फिर मैं इसकी जो सफाई करती हूँ, सफाई करती हूँ मतलब उसको साफ सफाई करती हूँ, उसको साफ करती हूँ, मैं इतने काम करना बड़ा कठिन होता है। माल वगैरह पढ़ लिया मैंने, और पता है जोगिंदर आया था और वो अपना थब्बा छोड़ गया, हेयर इज द जोगिंदर, जोगिंदर है तो नहीं लेकिन उसका निशान ज़रूर है, जल्द से चला जाए मुझसे। लास्ट कुछ जो 3 चार पहले लास्ट क्लिप्स में देखा ही होगा कि हम लोग जो कपड़े लाए थे तो वो ना रिटर्न करने गए थे हम, लेकिन रिटर्न नहीं हो पाया था, और अभी हम जब दोबारा गए थे रिटर्न करने तो तब भी नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास नई कलेक्शन नहीं आई थी, मेरे को उसका कलर चेंज करा था अपने वाले का इस वजह से, बट
कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो वैसे उसका कलर भी बहुत अच्छा है। वेरी एक्साइटेड, जब आपके कपड़े आ जाएंगे इतके तो आपको लगता है अरे यार बस सब पहन ही दो। मतलब ये होता है ना कि रमज़ान में लड़कियाँ ऐसी बनी रहती हैं, बिल्कुल पागल थी उनके कपड़े वपड़े ऐसे थे, लेकिन जब ईद आने वाले थे तो देर लोग ईद वाले दिन तो ऐसी लगती हैं वो हाय उसने पड़ी मैं सबसे जमा। वेरी एक्साइटेड फॉर ईद एंड टू वेयर माई आउटफिट। प्लान्स फॉर माई ईद डैट सबसे पहले तो मैं मेहंदी वगैरह लगवाने जाऊँगी अपनी कज़न के पास, ठीक है। और दूसरा आई एम थिंकिंग टू गेट अ हेयर कट, क्योंकि मैंने पिछले साल लिया था शायद अप्रैल, हाँ अप्रैल में लिया था, तो उस दिन आई एम थिंकिंग टू गेट अ हेयर कट दोबारा अप्रैल में पूरा एक साल बाद। तो मैं सोचूंगी लोग अगर मेरे को लेना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूजली क्या होता है कि मैं अपना कॉमेंट सेक्शन ऑन करना भूल ही जाती हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल याद से उसको ऑन करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे हेयर कट लेना चाहिए या नहीं। एंड आज धुल रहे हैं घर में कपड़े, आज है डे सैटरडे। एक साथ कपड़े कुछ ऊपर और कुछ नीचे जाके फैलाए अपनी बालकनी, कुरान की ट्रांसलेशन सुनने जा रही हूँ, कुरान की ट्रांसलेशन सुनने, क्योंकि मैं अब क्या कर रही हूँ इस रमज़ान जितने भी पा रहे हैं ना मैं लाइक डे वजह से कि आज 18 रोज़ है, तो मैं अब 18 रोज़े का कुरान सुनूंगी। तो ऐसे करने से ना आपको कुरान की जब आप ट्रांसलेशन सुनते हो तो बहुत ज़्यादा सही रहता है, आपको एक्चुअल दीन पता चल जाता है, क्योंकि अब जैसे आप गुमराह हो जाते हो कभी कभी आपको लगता है कि ये वाला सही है ये वाला सही है, तो अगर आप ट्रांसलेशन सुनोगे तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू उसको रीड करना। ट्रांसलेशन सुनते हैं, तार वगैरह हो चुका है, मेरी प्रीवियस क्लास के बुक्स हैं जो कि अब मैं किसी को दे रही हूँ, मेरी किसी कज़न को चाहिए ये सब, चाय रेडी है तो चलिए चलते हैं चाय पीने। चाय तार का सामान है, 3 कुल्लड़ बजे रात के 11 हमने खाना वगैरह खा लिया है, लेकिन आज खाने में को ज़्यादा मेरा मन पसंद नहीं था, इसलिए थोड़ी सी भूख लग रही है मुझे भी, अबू को भी और मेरी आपे को भी। तो चलिए फटाफट से हम लोग बनाते हैं मैगी, लेट्स गो। इट्स ऑल टाइम फेवरेट खाना, बने ना बने आपको खाना हो नहीं खाना हो मैगी खा सकते हो। मैं बनाती हूँ बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी मैगी अपने लिए, मतलब हम स्पाइसी ही खाते हैं, मेरे को स्पाइसी पसंद है, वरना अगर ऐसी ही मैगी खा लूँ मैं बिल्कुल सिंपल सी तो मेरे को लगता है वो मरीजों की मैगी, तो इसलिए अब मैं आपको ही खाती हूँ कैसे कैसे बनाती हूँ बहुत जल्दी। मैगी को बॉईल होने रख दिया है, अब बस इसका इंतजार है पकने का, हमने जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स सब कुछ डाल दिए हैं, अब बस फटाफट से बॉईल हो जाए अच्छे से कुक हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। It's done and it looks really very yummy and very tempting. अब छुट्टी पहन वाली है और इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं, मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड आई लव यू मोर, बाय।